नमस्कार साथियों, आप इस समय भाई खेतों का नजारा यहाँ पर लेते हुए और आपको बताने जा रहे हैं हार्ट्रोन डार्ट इंटरप्रेटर को लेकर। भाई बहुत से टेलीग्राम मैसेज ऐसे आते हैं, देखो भाई मैं एक व्यक्ति हूँ, सबका रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, तो इसलिए आप सभी के लिए वीडियो बनाता हूँ। प्लीज डेली वीडियो देखा करें आप। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो साथ में बेल आइकन होता है उसको दबाइए, और हमारे हार्ट्रोन की प्ले लिस्ट है पूरी, वहाँ पर संपूर्ण जानकारी दे रखी है, पे फार्म भरने से लेके ज्वाइनिंग तक। तो एक बात अगर एक व्यक्ति को बार बार बताऊंगा भाई, मैं तो आपकी आगे की जो सोच रहा हूँ वीडियो बनाने की वो नहीं बना पाता मैं। कोई भी वीडियो बनाने के लिए पूरा प्लानिंग बनाना पड़ता है, अब आपको क्या बताना है, क्या पेपर में आना है, तो उससे वंचित रह जाता हूँ मैं, आपको बता भी नहीं पाता हूँ। तो प्रिय साथी, इस वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा, पूरे सभी भाई सुन लो भाई, दोबारा से ऐसे मैसेज ना आए, ठीक, रिक्वेस्ट आप सभी से। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, कुछ भाई तो यही कहते हैं भाई आप वीडियो बना देते हो सॉफ्टवेयर के बारे में कुछ ऐसे, तो अलग अलग देखो जलने वाले लोग आपको पता है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको चीज़ें दे रहे हैं तो लोग जलते हैं, क्योंकि कई लोगों की दुकानें ठप हो जाती है आपको पता है। तो यहाँ पर मैं बता दूँ भाई, जो पेपर होगा वो 30 नंबर का होगा, 15 नंबर आपको उसमें लेने हैं, ऑप्शन टाइप पर्सन आएंगे, कंप्यूटर के पर्सन आएंगे, wifitchala.blogspot.com हमारी वेबसाइट है, वहाँ भी पर्सन मिलेंगे आपको, और हमारी वीडियो है जो सारी वीडियो से बाहर से कोई पर्सन आपको नहीं मिलने वाला भाई, जितने वीडियो प्लेलिस्ट में जाके देख लो, ठीक है। और कुछ गैस क्वेश्चन है वो डिस्क्रिप्शन में भी डाल रखे हैं, उनका डाउनलोड करने से पहले वो पेड है और उनका तरीका देख लें कि कैसे उनको खोलना है, पहले जो गाइडलाइन दी गई हमने वो पढ़ लेने हैं। और टाइपिंग होगा 5 मिनट का, और जो आरक्षित कैंडिडेट हैं जिनकी छूट प्राप्त श्रेणी है उनको 30 में से 14 नंबर लेने, चाहे वो हैंडीकैप भाई हो या एस सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जो भी हो, बीसी ओबीसी जो भी है। और टाइपिंग में आपको मिलेंगे 5 मिनट और लेकिन हैंडीकैप को मिलेंगे 10 मिनट। और बात करते सर क्या कितने नंबर, देखिए ऑनलाइन टेस्ट के नंबर आपको उस टाइम पता चल जाएंगे, ऑनलाइन टेस्ट में पास हो गए तो फिर जाकर आप उसके बाद जाकर आप टाइपिंग टेस्ट आप दे पाओगे, ठीक है, उसके बाद आप टाइपिंग टेस्ट ही दे पाओगे भाई, आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा, ठीक है। ऑनलाइन टेस्ट का रिजल्ट आ गया साथ में, फिर आपका टाइपिंग होगा। टाइपिंग का रिजल्ट साथ में नहीं आएगा, वो आपकी जो गलतियां हैं वो देखेंगे, उसके बाद मेरिट बनाई जाएगी दोनों पेपर की, पार्ट वन की और पार्ट टू की, ठीक है। तो उसका रिजल्ट आने में टाइम लगता है। और कुछ भाई देखिए अभी तो स्क्रीन पर टाइपिंग हुआ था पीछे, अब भी स्क्रीन पर होने की पूरी संभावना है, तो कुछ भाई ये भी कह देते हैं आप को ये ही नहीं पता कि स्क्रीन पर होगा कैसे, भाई मैं ऐसा नहीं हूँ, आपको दोनों तरह की तैयारी कराता हूँ, क्योंकि कोई स्पेशल नोटिफिकेशन जारी नहीं किया हार्ट्रोन ने, अगर अब की बार स्क्रीन पर हो गया तो आगे सिर्फ स्क्रीन पर फाइनल हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए स्क्रीन पर तैयारी करिए, टाइपिंग मास्टर पर तैयारी कर लो, आप बैक स्पेस वहाँ पर यूज होगा, जो भी आपने करना यूज हो सकता है। और मैं एक बात डेली कहता हूँ, जब तक पहला पेपर नहीं हो जाता एक पेज डेली आप टाइप कर लिया करो, देख के चाहे वो एमएस वर्ड में टाइप कर लिया करो, ठीक है भाई। और डॉक्यूमेंट की बात आती है, डॉक्यूमेंट पहले चेक होंगे या बाद में चेक होंगे, देखो भाई पहले चेक कर दे, आईडी चेक होती है, आपका एडमिट कार्ड चेक होता है, और कई बार जैसे गुड़गांव हो गया, वहाँ अपने डिप्लोमा है कंप्यूटर का, आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, ये चीज़ें चेक करते हैं, पहले नहीं करते थे, लेकिन जरूरी नहीं कि आपका डेली चेक होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपका पेपर पास हो जाता है टाइपिंग का भी ऑनलाइन का भी दोनों, फिर उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट चेक होंगे, डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, ओरिजिनल भी होने चाहिए और फोटो कॉपी भी होनी चाहिए मेरे भाई, साथ में पासपोर्ट साइज फोटो, एक आईडी प्रूफ, ये चीज़ें होनी चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो आपका पेपर रद्द हो जाएगा, पास होने के बाद भी कैंसिल हो जाएगा, आपसे एक अंडरटेकिंग भरवाया जा सकता है। कई बच्चों की क्वेरी है, सर हमारा नाम गलत है, हमारा एड्रेस गलत है, फादर नेम गलत है, उसके लिए अंडरटेकिंग फॉर्म वहाँ पर भरवाया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं घबराने की। अगर आपने फीस दे रखी है तो आपका एग्जाम होगा, अगर आप एससी में आपने एससी फीस काट रखी है, आप एससी का आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो वहाँ पर आपको जनरल की फीस देनी पड़ेगी, जनरल में आपका एग्जाम होगा, यानी कि जिस जो भी फॉर्म आपने भरा वो डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। और कई भाइयों के पास सर्टिफिकेट नहीं है, और मैंने बताया था कि 12th के बाद का कोर्स होना चाहिए आपका, कोई भी कोर्स हो, इस बात का ध्यान कर रहे हैं, कई बच्चों ने 10वीं बाद डिप्लोमा कराया कंप्यूटर का, कोपा का, तो फॉर्म भर दिया, तो ऐसा नहीं चले मेरे भाई यार, स्टेनो वालों का चल जाएगा, तो स्टेनो वहाँ पर मांग रखी है वो होनी चाहिए आपकी, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, जो भी क्वेरी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में वाईफाई टीचर टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पर मैसेज आते रहते हैं, जो भी समस्या कमेंट करें, और एक ही मैसेज में पूरी बात अपने लिखा करें भाई, ठीक है। और अधिक जानकारी के लिए बता दूँ, सबसे पहले वीडियो देखा करें, वीडियो ना मिले तो फिर बोला, वीडियो मिलेगी हमारी प्ले लिस्ट में आपको, ठीक है।
और वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें।